जबलपुर के विजयनगर स्थित चांडाल भाटा के लाइफ मेडिसिन हॉस्पिटल अग्निकांड में मरीजों के साथ साथ नर्सेज और हॉस्पिटल स्टाफ की भी जलकर मौत हुई है। इस अग्नि दुर्घटना में महिमा जाटव नामक नर्स की मौत से और सभी मौतों की वजह से नर्सिंग स्टूडेंट खासे सदमे में है। इन लोगों द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया। नर्सिंग स्टूडेंट्स ने जिला प्रशासन और सरकार से ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके पुख्ता इंतजाम करने की बात कही। सभी स्टूडेंट ने हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ के लिए सुरक्षा के साधन उपलब्ध कराने की मांग की। हमारे कॉलेज की एक छात्रा थी महिमा जाटव, जिसका बहुत दुर्घटनापूर्ण यहाँ पर हादसा हुआ और उसकी जान चली गई। उसी के शोक में हम ये सब रैली निकाल रहे हैं, जिससे हम सरकार से बोलेंगे कि कभी भी किसी हॉस्पिटल के लिए अगर मान्यता दें तो जब तक वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ना हो उस हॉस्पिटल को मान्यता ना दें, जिससे कि वो ऐसे लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ ना करें। धन्यवाद। आप कहाँ से चल के आए और कहाँ से? हम प्रेमवती कॉलेज विजयनगर से यहाँ तक चल के आए हैं। सभी स्टूडेंट ही हमारे कॉलेज से आए हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम पूनम पटेल है, मैं वहाँ पर एक टीचर हूँ। मैंने महिमा जाटव को भी पढ़ाया है, एक बहुत ही अच्छी और सिंसियर स्टूडेंट थी वो। जितने भी छात्र छात्राएं और शिक्षक गण उपस्थित हैं, केवल जो यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता लोग थे जो इस अग्निकांड में जल गए हैं, उनकी आत्मा के शांति के लिए एकत्रित हुए हैं। और प्रशासन को भी एक तरह से हम निवेदन करना चाहते हैं कि भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएं। धन्यवाद। कहाँ से आए और कहाँ तक? हम सभी एक हमारा इंस्टीट्यूट है प्रेमवती कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, हम सभी वहीं के छात्रा हैं। और महिमा जाटव हमारे यहाँ की छात्रा थी, हमारे यहाँ से ही पढ़ी लिखी थी और बहुत होनहार छात्रा थी, जो आज इस समय हमारे बीच नहीं है। उनकी आत्मा के लिए विशेष तरह से हम सब एकत्रित हुए हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर योगेश दुबे, मैं वहाँ पे प्रचार के रूप में हूँ। और भी हमारे स्टाफ हैं जो यहाँ पे एकत्रित हैं, सारे स्टाफ उपस्थित हैं, उन सब की आत्माओं की शांति। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।